अभी तक इंडिया में हुई नहीं है जी। इसको हो गए हैं 7 साल। 7 years। 7 years। आई एम अ पीपल्स मैन। तो मुझे किसी ने, दिल्ली वाले ने बोला था कि आप हमारा, मतलब है ना, यहाँ पर ये चलाइए इंडिया, बॉम्बे में उनका चेंबर था। तो मैंने शुरू कर दिया। मैं बोला हाँ ठीक है, आप बोलते तो कर लेते हैं। फिर वो बोलते हैं हर बात हमको पूछ के आप करना जी। बोलो भैया आप मेरे जैसे आदमी को ले रहे हो, मैं आपसे पूछ पूछ के करूँगा, आप मुझे पूछ के करो। तो मेरा बेटा बोला कि देखो आपका टेम्पर बहुत शॉर्ट है, आप नहीं सक सकेंगे। तो मैंने अपना IBG शुरू कर दिया। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये लगे पूछना पड़ता है यार। नहीं सुन रहे हैं। तो 7 साल हो गए, IBG के 1000 मेंबर हो गए। हमारे हर महीना 2 इवेंट होते हैं ऐसे, हर महीना। सर आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई एम अ रियल एडमायरर एंड योर्स एंड योर्स। तो आइए हमारे मेंबर बनिए। हम मेरा मुंबई में, बॉम्बे बोले या मुंबई बोले? बॉम्बे बोलिए, मुंबई बोलिए। 60,000 लोगों को, बिजनेस वालों को हमारा हर महीना न्यूज़लेटर जाता है। अच्छा, तो मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ इतने बड़े हस्ती बैठे हैं, इनको पूछिए जो भी पूछना है। और इवेंट्स की दुनिया हमारे लिए तो भैया वरदान की तरह होती है। जितने इवेंट ज्यादा होंगे होता आपको बैठ रहे सर के पास, जब भी फोन करो इवेंट में इतना बिजी रहते हैं, इनका नौकर फोन उठाता है सर है बोले ही इवेंट मैडम है शी इवेंट सर इवेंट आप सर इवेंट वेरी गुड वेरी गुड। इवेंट का क्रेज है हम सब कलाकारों को, कलाकारों के लिए इवेंट जो है पूजा कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ हमारे लिए। तो इवेंट जितने ज़्यादा इवेंट कंपनियां खुलेगी और ऐसे रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेड लोग उसमें आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत मजबूती वाला काम करेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए एहसान जी भी ये बताएंगे। हाँ नहीं कुछ नहीं, हम तो विकास जी के बड़े, बहुत बड़े फैन हैं। और विकास जी आपके लिए 2 लाइन कहना चाहते हैं कि IBG वाले तो छा गए, IBG वाले तो छा गए, विकास जी ने प्यार से बुलाया तो हम भी आ गए। और हाईलाइट है कि इनके रूप में ही सही कलाकारों का तो विकास हो ही गया। ओ वेरी गुड। तो जहाँ पर काम करना होता है बहुत इजी, जहाँ पर काम करना होता है बहुत इजी, उस इवेंट कंपनी का नाम है IBG। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। हैप्पी रहें, हर 15 दिन में कार्यक्रम कराएं, कराते हैं, बुलाएं सिंगर, बुलाएं डांसर, बुलाएं कॉमेडियंस, बुलाएं तो बिल्कुल आ जाएंगे। हमारा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। यहाँ पे सारे कंटेंट बनने वाले हैं यहाँ। आप दोनों तो बहुत कलाकार हमारे इस इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के और एंटरटेनमेंट में आए हुए, स्टैंड अप कॉमेडी फिल्म भी आपने करी है। तो आपको कंटेंट के बारे में आपका क्या विचार है, किस किस्म का कंटेंट कॉमेडी में और एंटरटेनमेंट बनना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल कॉन्टेंट, आप इतने सवाल मत पूछो, इनको आंसर तो दे दो। आपके सवाल में ही जवाब है, आपके सवाल में ही जवाब है। कंटेंट हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है। होता है ना भविष्य ना भूत का, उनका भूत हो सकता है, फ्यूचर तो नहीं हो सकता। बहुत सारे नए कंटेंट है। मैं समझता हूँ कि अभी परसों देख रहा था मैं कि एक भिखारी भीख मांग रहा था, नौजवान भिखारी, कैसा नौजवान है तू, नौजवान होकर भीख मांग रहा कैसा भारतीय है तू। बोले मैं भारतीय हुई नहीं। अच्छा फिर तू कौन है? बोले पाकिस्तानी। अरे बाप रे, पाकिस्तानी होकर यहाँ की भीख मांग रहा है, इंडिया में क्यों मांग रहा है? पैसा तो यही है, कहाँ मांग? पैसा तो यही है, अपने देश में मांग। अपने देश में मांग, बोले किससे मांगू? हाँ तो सब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री से मांग तो बड़ी बड़ी बातें करता है, बोले मैं प्रधानमंत्री ही हुआ। तो ऐसे कंटेंट जो है कंटेंपरेरी हमारे पास निकल आते हैं, हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, बातें निकल आती हैं। अभी एहसान कुरैशी जो है वो साहित्य से जुड़ी बातें करते हैं। परसों एक नेता भाषण दे रहा था कि दोस्तों मित्रों हमारे पार्टी ने क्या क्या नहीं किया आपके लिए। मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुप्पट किया, मुझे मौका तो मैं चौपट कर दूंगा।
मैं कहा एहसान जी ये नेता क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है, बोले अगर यही वाक्य बोलना है उसके मुंह पर बोलो डायरेक्ट नहीं बोलो लेकिन साहित्य की भाषा बोलो। यस बोले कौन सी साहित्य की भाषा, बोले उनको बोलो कि सर आपका एक एक वाक्य मोती की तरह बाद में पता चला कि मोती कुत्ते का नाम है। तो साहित्य में और शब्दों में ये दम होता है ये बात। और ये इवेंट वाले हैं अगर इनका मन हो जिस दिन ज्यादा पीने वाले हो उस दिन कौन सा आर्टिस्ट बुलाना चाहिए? हाँ बोलिए। हमारा नाम है रतन नोरा और हमको पसंद है सिर्फ सूरा, उसके बिना हम है अधूरा, एक दिन ना पीऊं तो बन जाता हूँ धतूरा। नहीं ऐसे मौके पे पीके को बुलाना चाहिए। हाँ पीके कौन है? पराग कंसार। अच्छा टॉप 10 में आया था। अच्छा यस। और जहाँ पुलिस का शो हो तो वहाँ एसपी को बुलाना चाहिए। एसपी सुनील पाल। और सुनील पाल। और जहाँ बहुत ज्यादा मनी हो वहाँ आरएस को बुलाना चाहिए। आरएस राजू श्रीवास्तव। ओ यार जिसका पैसा ये रुपीस आने वाले जेल को बुलाना चाहिए। जेल कौन है? जॉनी लीवर। ओ बहुत दिन से नहीं मुलाकात हुई। वकीलों के शो में केस को बुलाना चाहिए कपिल शर्मा। लेकिन एक प्रोग्राम में एहसान कुरैशी को बुला लिया, बाकी सारी टीम को मुंह पे कह रही है ये क्यों आया ये क्यों आया ये क्यों आया, ये तो मेरी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं। सर आपके नाम का शॉर्ट रूप है ये क्यों एहसान कुरैशी ये क्यों। चलिए हंसते रहे मुस्कुराते। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग। ये इंटरनेशनल इवेंट करते हैं और इन्होंने आज मुझे बुलाया ये मौका। थैंक यू। We are honored. मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैंने दिया बाती हम स्टार प्लस पे शो किया है ये रिश्ता क्या कहना है। मैंने मूवी की है रांझा एज दुश्मन। अभी मेरी मूवी आने वाली है विवान शाह के साथ, नसीरुद्दीन शाह के जो बेटे हैं उनकी माँ का किरदार किया है मैंने। फिल्म का नाम है प्यार का कमाल। अप्रैल तक रिलीज़ हो जाएगी। वेरी गुड। बोल दीजिए कुछ भी। बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम जुड़े हुए इनसे आगे इवेंट करते रहेंगे। हमारा तो है ना मुकद्दर ही खुल गया ये आ गए यहाँ पर। फ्यूचर ही खुल गया। बल रहे। थैंक यू वेरी मच। इनकी तो बात ही क्या कर रहे हैं हम। इनको तो बोलने के लिए क्या रह गया है। हमने देखिए हमने मतलब हमारे टीम को बोला कि आपने नाम तो लिख दिया है लेकिन आने वाले नहीं है, तो आप लोग अननेसेसरी मत ये लगा के बैठिए कि आदमी। आप मुझे बोले कि हमने आदमी को बाहर डोर पे खड़ा रखा है रिसीव करने के लिए। बोलो टाइम वेस्ट मत कर, ये नहीं आई है पर यहाँ बैठे हैं और हम क्या बोलेंगे इसके अलावा। प्यार से बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे तो आ ही गए। हमारा अभी प्लान है कि अभी हम मूवी प्रोडक्शन में जाएंगे। चेंबर जो है हमारे 1000 मेंबर हैं, इनको सबको इंटरेस्ट है कि हम कुछ मूवीज़ में करें। तो अभी करना ही पड़ेगा, हम क्या करें। यू नो जैसे डेमोक्रेसी में पब्लिक बोलती है कि ये करो तो लीडर को करना ही पड़ता है, तो यही होने वाला है आगे। आप नोट कर लीजिए 100%। अगर ये मान ले तो हमारे साथ करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर। और दोस्तों आज ये अवार्ड हो रहा है, इसका नाम है आई बी जी मतलब ये बिजनेस ग्रुप है और इनके जो बॉस है दिलीप साहब और राजेश श्रीवास्तव, इज माई गुड फ्रेंड मिस्टर राजेश श्रीवास्तव फिल्म स्टूडे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आया हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इन लोगों ने मुझे भी अवार्ड दिया है और इनके लिए क्या कहूँ। ये एक नए अंदाज में जो करना चाह रहे थे नए अंदाज में किया इन्होंने और आप देख ही रहे कि सब कुछ अंधेरे में हो रहा है, सारे कुछ नहीं इवेंट करते। बट भाई राजेश श्रीवास्तव हमारे दोस्त, मैं चाहूँगा कि उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी उन्होंने मुझे एक अवार्ड शो हुआ था उसमें मुझे याद किया। राजेश भाई प्लीज़ कम सिट। इज माई गुड फ्रेंड और ये बहुत बड़े दिल के शख्स है और हमेशा रहेंगे और मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं और
राजेश श्रीवास्तव के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दिलीप साहब के लिए भी देता हूँ, और IBG ग्रुप को भी मैं इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी फसल को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। दिलीप साहब, तुम्हारी फसल को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। IBG ग्रुप है प्यारा, खुशी मिले सबको कि आसमान की बुलंदी पे नाम हो आपका। बोले तो एकदम मस्कश मस्का है, बोले तो एकदम छकास छकास। थैंक यू। IBG जो है एक इंडिया बिजनेस ग्रुप है और एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये मतलब देश विदेश के इवेंट होते हैं और मतलब इंटरनेशनल लेवल के लोग इससे जुड़े हुए हैं और एक मार्केटिंग मतलब गेट टूगेदर ये लोग हर महीने कार्यक्रम करते हैं जिसमें गेट टूगेदर एक लोग दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हाँ, मैं अभी गत 12 वर्षों के बाद ये पत्रिका है फिल्म फिल्म जो हम प्रकाशित कर रहे हैं और इन 12 वर्षों में हमने लगभग 11 कंट्री हमने इवेंट किए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहे हैं। आप सब लोग आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और अभी हमने लास्ट दुबई मॉरिशस सिंगापुर इवेंट किए हैं और सिंगापुर में हमने इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड किया था। उसके बाद में अभी हाल में ही अभी हम हमारे प्लानिंग है लंदन में हम लोग फिर बिजनेस अवार्ड करने वाले हैं, ये हमारे कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी हाल में आप लोग के पास में हमारे कार्यक्रम हुआ था फिल्म चुड़े और नाना नानी फाउंडेशन प्रेजेंट ड्रीम अचीवर अवार्ड जो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ जिसमें हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर साहब आए थे, उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, कई आर्टिस्ट आए थे और हमारी उसकी पब्लिसिटी इंटरनेशनल मीडिया ने हमारी पब्लिसिटी की है, तो फॉरेन के अखबारों में चैनल में सब जगह हमारी न्यूज़ है। मतलब सभी लोग छप चुके हैं और मेरा बड़ा एक प्रयास है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नेक्स्ट मैं बहुत अच्छा एक कार्यक्रम करने वाला हूँ स्वच्छ भारत पे और बेटी बचाओ के, जिसमें बड़ा प्रयास है कि हमारा कवर करूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आएँ और बड़ा कोशिश है आने वाले समय में उनको मैं कवर करके लाऊँगा और उनके जो उन्होंने हमारे देश के जो काम कर रहे हैं मतलब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं हमारे देश के लिए, मैं कोई पार्टी या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं जब जाके बात करता हूँ तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में कवर पेज पर लाकर और अपनी मैगजीन को उनके हाथ से लॉन्च करवाऊँ और स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ पे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ, शिक्षा दान अभियान का हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था जिसमें लास्ट में हमारा अन्ना हजारे साहब ने पोस्टर लॉन्च किया था और अभी हम खुद बहुत अच्छा अभी आने वाले मई में फिर हम उसका अभियान चालू करेंगे, कई फिल्म स्टार के नेताओं से हमारी बात चलाई है, पोस्टर लॉन्च होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और कई बच्चों को कोशिश प्रयास ले रही है कि हज़ारों बच्चों को हमारे तरफ से निःशुल्क शिक्षा मिले। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ विकास जी का जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसके आने के हर व्यक्ति को यहाँ पे ग्रुप में आके फ़ायदा मिलता है और मतलब बहुत ही मतलब तारीफ काबिल काम करते हैं हमारे विकास जी। मैं विकास जी को बुलाना चाहूँगा एक बार उनका भी साथ मिल जाए। हाँ, तो मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ अपने IBG ग्रुप के श्री विकास मित्र सिंह जी का जो हर महीने ऐसे ऐसे कार्यक्रम IBG ग्रुप के तहत करते हैं जिसमें लोग ग्रुप में आते हैं एक दूसरे मिलते हैं और सबको फ़ायदा होता है, निःशुल्क फ़ायदा होता है। यहाँ पर कोई किसी को फीस नहीं है, किसी को चार्ज नहीं है, लेकिन सब अपने अपने खर्चे से जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है सब उससे करते हैं और बहुत ही सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सामाजिक कार्य करते हैं सर, मतलब इतने बड़े इंसान हैं लेकिन इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मैं इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, एक बड़े भाई की तरह। और आने वाले समय मेरी इनसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बहुत अच्छे काम करते रहें और साथ ही बताओ हमारे ये इंटरनेशनल इवेंट करते रहते हैं, काफ़ी बड़े लेवल इवेंट करते हैं और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि IBG ग्रुप और ऐसे बढ़ता रहे और हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता रहे। थैंक यू, शुक्रिया, आपने इतनी बातें बोल दी, अभी हमारे लिए बोलने के लिए कुछ राय नहीं। आपका भी शुक्रगुजार है कि आप लोग आए। IBG एक चेंबर ऐसा है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिसको चाहिए आके अपने आपका बारे में बता दें,
कर लें, पिक्चर दिखा दें, डांस कर लें, गाना गा लें, तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है। 7 साल हो गए हैं, हमारे 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं और ये जैसे जानते हैं बहुत हमारे काम कार्यक्रम होते रहते हैं। ये हैं हमारे साथ मराठी फिल्म प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस, इनको भी हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बताइए आपके पास क्या कहेंगे आप, खड़े हो आगे के साथ क्या कहेंगे? आईपीजी से तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है और मैं आईपीजी में जो मेरा कार्यक्रम है मिस्टर विकास जी, आई थिंक उनकी जो लगन से जिस लगन से वो लोग आईपीजी को बढ़ा रहे हैं, आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ अंजुषा चौगले जी, मराठी फिल्म एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑल इन वन। थैंक यू।